तो विश्व धरोहर है ये, और बनाने वाले ने क्या तो कलाकारी करी है, पूरी जान लगा दी उसने। ये तो अब ज़िंदगी में कभी दूसरी बार बन नहीं सकता है ऐसा, और ज़िंदगी में हो सकता है कभी देखने को भी मिले या नहीं मिले। क्या तो कलाकारी करी है लोगों ने, बहुत ही शानदार, बहुत ही सुंदर। बच्चों को भी आकर के देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए, चमन को भी आ जाना चाहिए था। बड़े बड़े हाथी मुगलों ने, इनको देखो ये हाथी बना हुआ मेरे पीछे, इस हाथी को नष्ट कर दिया मुगल लोगों ने तोड़ के। अधिकतर मूर्तियां जो सब जो हैं ये पीछे हैं, ये पीछे की तरफ जो हैं ये सब तोड़ दिए लोगों ने, मुगल्स के तोड़ दिए। लेकिन एक चट्टान को काट के उसमें क्या क्या बनाया है ये देखो तो क्या मतलब सोच है लोगों की, और कितनी लंबी सोच है, कितनी बड़ी सोच है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब आप कहो तो हम ऊपर चलते हैं, है ना, चलिए ऊपर चलते हैं जीने से। ये तो जीना, और जीने से चढ़ के ऊपर चलना है अपन। ऊपर जाने के रास्ते जीने देखो, ये गुफाएं जगह जगह, और मतलब इंसान की सोच कहाँ तक जा सकती है, वो यहाँ पूरी सोच लगा दी बनाने वालों ने। आज से शताब्दियों पहले कई वर्षों पहले जब हम पैदा भी नहीं हुए तो उस समय के बने हुए हैं ये, और उस समय के बनाने वालों की सोच देखो, आज के वैज्ञानिक भी इसमें फेल हो गए, वैज्ञानिक भी पूरी तरह से। जूता उतार के अंदर जाने पड़ेगा, ये यहाँ भी देखो पूरा। चलिए जूता उतार लिए मैंने, और अंदर देखता हूँ क्या है। अरे वाह यार, क्या है अंदर पता नहीं है, इतनी भीड़ है देखने का। इधर देखते हैं इधर क्या है, ये ऊपर छत पे आ गए। छत पे आने के बाद देखो क्या है। अरे वाह यार, क्या तो कलाकारी करी है इंसान ने, ये इंसान ने तो फेल कर दिए सबको। आज के वैज्ञानिक भी फेल हो गए इसके आगे। आज के जो वैज्ञानिक हैं वो भी सोच में पड़ते हैं कि एक पत्थर में कैसे बनाया है ये, एक चट्टान को काट करके बनाया हुआ है ये, कैसे बनाया, सोचने वाली बात है। अंदर क्या है दादाजी, अंदर भी चल के देखता हूँ अंदर क्या है। ये छोटा सा रूम बनाया है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि यह शिवलिंग होगा, लेकिन शिवलिंग आतताइयों ने हटा दिया, यहाँ से तोड़ दिया, आतताइयों के द्वारा हटाए हुए शिवलिंग की जगह है, स्थान पड़ा हुआ है खाली वाला। ये देखो ये सब मूर्तियाँ देखो, क्या तो कलाकारी यार, सेकंड मंजिल पर, सेकंड फ्लोर पर ये सब बनाया हुआ, और ऊपर देखो चट्टान, एक चट्टान का बनाया हुआ, एक पत्थर का काटा हुआ है। और ये तो बहुत छोटा है, ये एक दिन में घूमने वाली चीज़ नहीं है, इसको पूरा घूमने में सुबह से शाम हो जाए तो ही नहीं घूम सकते, इतने ज़्यादा हैं। ये 16 नंबर की है, ये ऊपर उन्होंने कहा खाली 16 नंबर घूम लो, आपको अभी निकलना है इसलिए, तो ये 16 नंबर घूमा है मैंने बस। देखना है क्या, अरे वाह देख लो बस, समझ लो क्या है, अपनी ज़िंदगी में अपन ने कुछ नहीं करा अगर इसको नहीं देखा। भोजपुर का शिवलिंग, जय हो बम बम भोले, बम बम भोले, श्री शिवाय नमस्ते उम्यम, हरिओम हरिओम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने भोजपुर वाला जो शिवलिंग है उससे छोटा है ये, अपने यहाँ का तो बहुत बड़ा है ये, देख लिया ये शिवलिंग जो बना हुआ है भोजपुर के शिवलिंग से छोटा है।